हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट राहुल। आप देख रहे हैं कारमैन इंडिया एंड आज जो कार हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, दिस इज द फॉर्च्यूनर 2023 4x4 फेसलिफ्ट एडिशन। एंड ये कार काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है हमारे लिए। अब आप सोचोगे जस्ट अ फॉर्च्यूनर तो इसके अंदर स्पेशल क्या है, ये कार हमारे लिए इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये कार बिलोंग करती है हमारे वन ऑफ द सब्सक्राइबर्स को एंड वो ऑल द वे हैदराबाद से हमारे पास ट्रैवल करके आए हैं इन ऑर्डर टू गेट अ ऑडियो अपग्रेड इन दिस कार। तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए एक हैप्पी मोमेंट है कि एक हमारे सब्सक्राइबर जिन्होंने हमारी वीडियोस देखी 1700 किलोमीटर्स वो बाय रोड ट्रैवल करके हमारे पास आए, ऑल बिकॉज वो कहते हैं कि हमने यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस देखी, काफ़ी सारा कंटेंट देखा, बट जब उन्होंने हमारा काम देखा, हमारा वे ऑफ वर्किंग देखा, वो इतना ज़्यादा इंप्रेस थे, वो कहते कि नो मैटर वॉट मुझे कितना भी ट्रैवल करना पड़े बट काम तो मेरे को आप लोगों से ही करवाना है। सो ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए प्राउड मोमेंट है कि हमारा काम जब हमारे सब्सक्राइबर्स को इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी ड्यूटी ये बनती है कि हम उस काम को बरकरार रखें एंड आपको जो काम करके दे वो हर बार ही कुछ ना कुछ नेक्स्ट लेवल होने वाला है। सो इस कार के अंदर भी जो कस्टमर की डिमांड थी वो कहते हैं मुझे अपनी कार के अंदर एक काफ़ी हाई एंड SQ ऑडियो ग्रेड चाहिए, कहते हैं मुझे अपनी कार के अंदर बिल्कुल भी शोर नहीं मचाना, मुझे क्वालिटी म्यूजिक चाहिए अपनी कार के अंदर। तो उसके लिए नो मैटर जो भी कार के अंदर लगता है आप लगाओ, बट आई वॉन्ट क्वालिटी म्यूजिक। अब इस कार के अंदर फैक्ट्री फिटेड तो हमारा JBL का सिस्टम लग के आता है, बट वो जैसे कि आप हमारी अर्लियर भी वीडियोस में देख चुके हैं कि कस्टमर्स को जनरली वो नहीं पसंद आता जिसको भी कुछ अच्छे म्यूजिक का शौक है। तो अब इस कार में एग्जैक्टली हम क्या इंस्टॉल करने जा रहे हैं, अब चल के मैं आपको सारे प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली इसके अंदर क्या क्या इंस्टॉल होने वाला है। सो इस कार के अंदर सिंस वी हैव टू गो फॉर अ हाई एंड ऑडियो अपग्रेड, सो इसके अंदर हम जो कंपोनेंट स्पीकर्स एंड मिड रेंज इंस्टॉल करने जा रहे हैं दैट इज गोना बी बाय हार्मन कार्डन। एंड हार्मन कार्डन के काफ़ी प्रीमियम कंपोनेंट स्पीकर्स है जो हमारे फ्रंट डोर्स पे भी लगाए जाएंगे, रियर डोर्स पे भी लगाए जाएंगे, प्लस दिस इज़ हाई रेज ऑडियो सर्टिफाइड। तो इसका जो साउंड रिस्पॉन्स है, इसकी जो साउंड रिप्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प एंड क्लियर इन नेचर है एंड कहीं से भी ईयर्स को पिंचिंग नहीं करती, मतलब काफ़ी ज़्यादा मेलोडियस म्यूजिक हमें इसके थ्रू एक्सपीरियंस करने को मिलता है। अब क्योंकि दिस इज़ अ 4x4 फॉर्च्यूनर तो इसके अंदर फ्रंट पे हमें 3-way सेटअप कंपनी प्रोवाइड करती है, सो मिड रेंज के लिए भी कंपनी हमें कॉर्नर में एक स्पेस प्रोवाइड करती है। सो वहाँ पे हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं हार्मन कार्डन के ही मिड रेंज स्पीकर्स। तो जितने भी हमारे ड्राइवर्स हैं वो सारे के सारे हार्मन कार्डन के इस कार के अंदर रहने वाले हैं एंड इसका साउंड क्वालिटी इज जस्ट गोना बी नेक्स्ट लेवल इफ़ ट्यून्ड द राइट वे। अब अगर हम बात करें सबवूफर की, सो सिंस कस्टमर ने बोला था कि मुझे कार के अंदर बहुत ज़्यादा शोर नहीं मचाना, मुझे क्वालिटी म्यूजिक चाहिए, सो उसके लिए हम जो उन्हें सबवूफर प्रोवाइड करने जा रहे हैं दिस इज गोना बी बाय ऑडिसन। एनी 10 इंचेस का एक्टिव सबवूफर है विच हैज़ अ पावर आउटपुट ऑफ 400 RMS। सो इन केबिन लिसनिंग के लिए इसका काफ़ी अच्छा बेस रिस्पॉन्स है एंड इसको चलाने के लिए इसका एम्पलीफायर हमें इनबिल्ट ही मिलता है, तो हमें अलग से कुछ भी नहीं लगाना। अब इस सारे सेटअप को ड्राइव करने के लिए कस्टमर की एक छोटी सी रिक्वायरमेंट और भी थी, वो कहते हैं मुझे अपनी कार के अंदर मल्टीपल एम्पलीफायर्स, मल्टीपल DSPs वगैरह नहीं लगाने, आप मुझे कुछ ऐसा सॉल्यूशन दो कि मुझे कम से कम इक्विपमेंट लगानी पड़े एंड मेरा पर्पस भी सॉल्व हो जाए। सो उसके लिए हम उन्हें जो इक्विपमेंट प्रोवाइड करने जा रहे हैं दिस इज गोना बी बाय JL ऑडियो विच इज़ अ एम्पलीफायर प्लस ए DSP। दिस इज़ अ 8-channel एम्पलीफायर विद अ 8-channel एम्पलीफायर विद अ 10-channel DSP। सो ये वाला सिंगल प्रोडक्ट हमारा कार के अंदर आज इंस्टॉल होने जा रहा है एंड इसी के थ्रू हमारे स्पीकर्स को भी एम्पलीफाई करके प्रोसेस किया जाएगा एंड हमारे वूफर को भी प्रोसेस किया जाएगा। एंड जो भी हम इसके अंदर ट्यूनिंग करने जा रहे हैं वो कोई स्टैंडर्ड ट्यूनिंग नहीं रहने वाली, इस कार के अंदर हम लोग करने जा रहे हैं RTA ट्यूनिंग। RTA मींस रियल टाइम एनालाइजर। तो धीरे धीरे मैं चल के आपको इसकी इंस्टॉलेशन भी दिखाऊंगा कि इंस्टॉलेशन कैसे कैरी आउट की जा रही है एंड RTA ट्यूनिंग हम डेफिनेटली करने जा रहे हैं। अब हमारा जब इंस्टॉलेशन हम करते हैं तो स्टेप नंबर 1 हमारा रहता है प्रॉपर साउंड प्रूफिंग एंड कस्टमर कहते हैं मुझे अपनी कार जो है बिल्कुल साइलेंट चाहिए, मुझे बिल्कुल भी रोड नॉइज नहीं चाहिए। सो उस कार उस पर्पज़ के लिए हमने करी इसके अंदर कंप्लीट कार साउंड प्रूफिंग। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो कंप्लीट फ्लोर है पूरा का पूरा फ्लोर यहाँ पे साउंड प्रूफ हो चुका है एंड जितने भी हमारे डोर्स हैं, साइड वॉल्स हैं, सब कुछ हमारा प्रॉपर यहाँ पे साउंड प्रूफिंग कैरी आउट हो चुकी है। सो अब सिंस हमारी साउंड प्रूफिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं आपको चल के दिखाऊंगा कि स्पीकर्स एंड बाकी इक्विपमेंट की इंस्टॉलेशन कैसे कैरी आउट की जा रही है। सो फाइनली इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो चुका है एंड अगर हम स्टार्ट करें अपने कंपोनेंट स्पीकर से तो जैसा कि फ्रंट डोर्स पे आप देख सकते हैं कि हमारा एक जो प्रोफेशनल वे ऑफ इंस्टॉलेशन है ऑफ द मिड रेंज ड्राइवर यूजिंग अ स्पेसर एंड अ वाटर गार्ड वेरी नीटली उसको यहाँ पे इंस्टॉल किया गया एंड कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं दैट द हार्मन कार्डन का जो मिड रेंज ड्राइवर है वो काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग है, सो इंस्टॉल होने के बाद भी काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। अब अगर हम बात करें अपने ट्विटर की, सो कंपनी हमें जो आप स्टॉक पोजिशन प्रोवाइड करती है वहीं पर ट्विटर को वेरी नीटली यहाँ पे इंस्टॉल किया गया एंड मिड रेंज के लिए भी कंपनी हमें यहाँ पे डैशबोर्ड पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉर्नर में एक स्लॉट प्रोवाइड करती है, सो वहीं पे हमारे मिड रेंज ड्राइवर को अभी हिडन पोजीशन में लगाया गया। सो फ्रंट पे कहीं से भी हमें अपना मिड रेंज ड्राइवर द ट्विटर द मिड बेस कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा।
अब अगर हम बात करें रियर वाले डोर की, सो रियर वाले डोर में जैसे कि आप देख सकते हैं कि ट्विटर को काफी नीटली यहाँ पे फ्लश माउंट करके इंस्टॉल किया गया है, एंड यहाँ पे किसी भी तरह की कोई गैपिंग आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। यही बात करें मिड बेस ड्राइवर की, सो मिड बेस ड्राइवर को भी अपनी यहाँ पे स्टॉक पोजीशन में ही इंस्टॉल किया गया है, बिल्कुल हिडन। एंड यही अगर हम बात करें अपने रियर वाले मिड रेंज की, क्योंकि इसके अंदर हमने ट्विन थ्री वे सेटअप किया है, सो जो रियर वाला मिड रेंज है उसको भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सी पिलर पे यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, एंड इसके अंदर हमें मिलती है एक डिटैचेबल ग्रिल, तो हम कभी भी इस ग्रिल को यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हैं एंड कभी भी इसको लगा सकते हैं। मैग्नेटिक ग्रिल हमें यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, एंड इसमें भी आपको यहाँ पे किसी भी तरह की कोई गैपिंग देखने को नहीं मिलेगी, काफ़ी प्रोफेशनली उसको यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। अब ये तो हो गया हमारा स्पीकर्स का, मिड रेंज का, ट्वीटर्स का। अब अगर हम बात करें अपने सबवूफर की, तो इसके अंदर हमने जो सबवूफर इंस्टॉल की है उसकी इंस्टॉलेशन भी आपके सामने है, एंड ये काफ़ी एक ही हमारे यूटिलिटी सबवूफर है, क्योंकि इसके अंदर हमारा किसी भी तरह का कोई बूट स्पेस भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, हम चाहे तो इसके ऊपर भी सामान रख सकते हैं, एंड साथ में बिल्कुल भी हमारी बूट स्पेस इसके अंदर किल नहीं होती, तो काफ़ी ज़्यादा ही एक स्पेस इफेक्टिव सबवूफर हमने इसके अंदर इंस्टॉल किया है। यही अगर हम बात करें इसके एम्पलीफायर विद द डीएसपी की, तो उसकी इंस्टॉलेशन भी हमारी सोफा सीट के नीचे ऑलरेडी कैरी आउट की जा चुकी है एंड उसको पैक भी कर दिया गया है। सो अब हम चलते हैं कार के अंदर, कार के अंदर चल के करते हैं एक प्रोफेशनल ट्यूनिंग, क्योंकि जब भी हम इतना हाई एंड सेटअप कार के अंदर लगाते हैं तो ट्यूनिंग करना तो मैंडेटरी है, एंड जैसे ही हमारी ट्यूनिंग कंप्लीट होती है उसके बाद मैं आप सबको सुनाऊंगा इसके अंदर इसका एक प्रॉपर साउंड आउटपुट कि कितना प्रीमियम इसका साउंड सिग्नेचर हमें एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। जैसा कि आपने अभी एक्सपीरियंस किया कि इस कार का जो साउंड आउटपुट है दैट इज वेरी मेलोडियस इन नेचर, लाइक इतना स्वीट म्यूजिक इस कार के अंदर हमें एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है, एंड दैट इज ओनली बिकॉज कि जो भी इंस्टॉलेशन हमने इस कार के अंदर कैरी आउट करी वो काफी ज्यादा प्रोफेशनल तो है ही है, साथ ही के साथ जो आरटीई ट्यूनिंग हमने इस कार के अंदर कैरी आउट की है उसके अंदर एक एक ड्राइवर को हमने डिस्टिंक्टली असाइन करा है कि उसने पर्टिकुलरली कौन सी फ्रिक्वेंसी प्ले करनी है, एंड हर ड्राइवर के प्रॉपर कट ऑफ हमको असाइन करके प्रॉपर फ्रिक्वेंसी कर्व्स बैलेंस करके तभी जाके हमें इतना इसके अंदर एक प्रीमियम साउंड आउटपुट एक्सपीरियंस करने को मिलता है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इस टाइप का कंटेंट बनाने के लिए, इस टाइप का काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स हमारे भी लगते हैं, लाइक इंस्टॉलेशन के अंदर भी हमारा जितना भी स्टाफ है, हम जितनी हमारी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा रहती है, देन इस टाइप की वीडियोस बनाने के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हमारा हार्डवर्क जाता है। अभी भी जैसा देख सकते हैं काफ़ी रात हो चुकी है, बट स्टिल वी आर हेयर फॉर यू, एंड हमारी कोशिश बस ये रहती है कि आपको हम बिल्कुल लेटेस्ट से लेटेस्ट एंड डिफरेंट से डिफरेंट कॉन्टेंट आप सबको दिखाएं, ताकि आप सबको भी पूरी नॉलेज रहनी चाहिए कि एक प्रीमियम ऑडियो सेटअप एग्जैक्टली होता क्या है।
सो बदले में हम आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे दैट आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ सो दैट इस वीडियो की अवेयरनेस काफी दूर तक जाए एंड इट इज ओनली फॉर यू गाइज. अब जैसे कि आपने आई डोंट नो नोटिस किया कि नहीं बट लास्ट काफी सारी वीडियोस के अंदर हमने नॉन कॉपीराइट म्यूजिक यूज करना भी छोड़ दिया है एंड हम प्रॉपर जो हम डेली ट्रैक्स सुनते हैं अपनी डेली लाइफ में मैं वही वाले ट्रैक्स के आपको ऑडियो आउटपुट्स आपको अपने चैनल पे दिखाता हूँ सो दैट आपको एक आइडिया लगे कि एक्चुअल ट्रैक से कॉपीराइटेड ट्रैक जितने भी होते हैं उसके अंदर हमें कैसा ऑडियो रिस्पॉन्स मिलता है एंड इट इज ओनली फॉर यू गाइज कि हम चाहे कॉपीराइट आता है हमारी वीडियोस पे चाहे कुछ मर्जी आता है बट वी डोंट केयर. हमारा मोटिव बस यही है कि आपको बिल्कुल इसके अंदर ही सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस मिलना चाहिए. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कोई आपके पास कार है जिसके अंदर आप ऐसे एक प्रीमियम सा ऑडियो सेटअप प्लान कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह की आपकी कोई कार एक्सेसरीज की रिक्वायरमेंट है इन दैट केस यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट अस. जो शोरूम का एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अलॉन्ग विद गूगल मैप्स लिंक जिसको क्लिक करके आप डायरेक्टली हमारे शोरूम तक नेविगेट कर सकते हैं. उसी के साथ साथ इफ यू वांट टू स्टे अपडेटेड विद अवर डेली अपडेट्स देन यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. जो इंस्टाग्राम पेज का यूजर हैंडल है वो नीचे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा सो यू कैन गो एंड फॉलो अस देयर. ऑल्सो इफ यू गाइज हैव एनी फीडबैक रिलेटेड टू आवर वर्क यू कैन लीव इट इन द कॉमेंट्स बॉक्स बिलो because your feedback is really very valuable to us. This is it for today's video. Thank you for watching. And agar abhi tak aapne is channel ko subscribe nahi kiya hai, then please subscribe to this channel and press the bell icon to stay notified for all the upcoming future videos. This is me, Rahul, signing off for the day. Thank you.